क्या है पूरा खुलासा? देखिए, जैसा कि आप लोगों को विदित है, 16 नवंबर को एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण घटना और जघन्य हत्याकांड हुआ था हमारे यहाँ, जिसमें 3 लोगों का मर्डर हुआ था और एक बच्ची एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, जिसकी भी बाद में मृत्यु हो गई थी। हम लोगों की टीम और एसटीएफ की टीम लगातार इस घटना के खुलासे के लिए लगी हुई थी, और उसी के क्रम में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों के संज्ञान में आए जिस पे हम लोग काम कर रहे थे। और आज हम लोगों को एक बड़ी सफलता उस समय मिली जब एसटीएफ की टीम के सहयोग से और हम लोगों ने, एसटीएफ की टीम ने और हमारी जो थाना प्रेक्षक की टीम है, संयुक्त रूप से 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया, जिसमें से एक वो व्यक्ति है जिसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की, और उसका जो कारण, जो मोटिव समझ में आया है, उसके फादर का एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हुई थी 2004 में, जिसको कि उसका ये मानना था कि जो मृतक शिव कुमार है उसने हत्या करके एक्सीडेंट को रोक दिया था। दूसरा वो व्यक्ति है जो एक्यूज है, अरुण यादव, उसका साथी है सोनू, जिसने पूरे घटनाक्रम में रैकी की और जो शूटर्स थे उनको पूरा घटनास्थल दिखाया। तीसरा एक शूटर है नरेश नाम का, जो कि जनपद गौतम बुद्ध नगर का ही रहने वाला है, वो व्यक्ति है, वो एक्यूज है जो मौके पर था, जिसने जो ये लोग थे इनके ऊपर फायरिंग की और इस पूरी घटना को अंजाम दिया अपने अन्य साथियों के साथ। कितने लाख की सुपारी दी गई सर? देखिए, जो अभी तक चीज़ें सामने आई हैं छानबीन में, प्रथम दृष्टया 10 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी, जिसमें से 6 लाख रुपए अरुण यादव ऑलरेडी अनिल भाटी को दे चुका था, जिसके एवज में अनिल भाटी और उसके जो और सहयोगी हैं उन लोगों ने ये शूटर्स इस मर्डर के लिए अवेलेबल कराए। और जैसा कि मैंने बताया, जो शूटर्स अभी तक जो हम लोगों के संज्ञान में पूछताछ में 3 शूटर्स की बात प्रकाश में आई है, जिसमें से एक को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, 2 अभी बाकी हैं, पूछताछ अभी जारी है, और जाहिर सी बातें हो सकता है कुछ और भी लोगों की इसमें संलिप्तता हो। तो ये डाउट है इनके फैमिली को कि वो संभवतः एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था, और इनका ये कहना है कि उस समय हम लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया कि मर्डर का मामला है, लेकिन जो हम लोगों ने रिकॉर्ड के हिसाब से भी चेक किया कि वो एक्सीडेंट में ही लिखा गया था और एक्सीडेंट के ही धाराओं के तहत उसमें बेचना हुई और उसमें बाद में एफ आर लगी। कहीं ना कहीं उसके बाद आक्रोश था, और जो बाद में हम पूछताछ में चीज़ें सामने आई प्रश्नों पर भी हमने उसका जिक्र किया है कि इधर इस बीच में पिछले 2-3 साल से इसका संपर्क अनिल भाटी से हुआ, जो कि सुंदर भाटी का भतीजा है, और उसके संपर्क में आने के बाद ये लगभग घटना से कुछ दिन पहले इन लोगों ने ये प्लान किया, क्योंकि मन में तो इसके पहले से था, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने प्लान किया, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का जो समय था, जो घटना हमारी हुई है 16 तारीख को, एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट इन्हें पहले करना था, और एक योजना के तहत ये लोग दोनों एक साथ बाहर विदेश गए घूमने के लिए, ताकि उधर ये लोग बाहर रहें, इसी में पीछे से शूटर्स उस घटना को अंजाम दे, जो शूटर्स इसने अनिल के माध्यम से हायर किए थे। इस दौरान क्योंकि वो बाहर गया हुआ था, जो शिव कुमार है वो यहाँ पर नहीं था, तो उस घटना को ये लोग अंजाम नहीं दे पाए। इस बीच में ये लोग वापस लौटे और 16 तारीख को, मेरे ख्याल से 14 की शाम को शायद वो लौट के आए हैं, और 16 को फिर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इस पूरी घटना में, क्योंकि बहुत ही जघन्य हत्याकांड था और बहुत ही हम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था, इसमें एसटीएफ की टीम भी लगातार काम कर रही थी और हम लोगों की टीम भी लगातार काम कर रही थी, तो आज हम लोगों ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत जो 3 अभियुक्त हैं उनको हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें से एक अरुण यादव है जो जिसने घटना को प्लान किया, दूसरा एक उसका सहयोगी है सोनू धर्मदत्त शर्मा, जो कि उसके साथ रहता है,
और उसी ने जो शूटर्स थे उनको ले जाकर पूरा रेकी वेकी कराया और वो रूट वगैरह सब दिखाया, वो उनके संपर्क में था। और तीसरा एक जो शूटर है जो मौके पे जिन लोगों ने फायरिंग की थी नरेश, ये जारचा थाना क्षेत्र का हमारे यहाँ से रहने वाला है, ये तीनों लोगों को आज गिरफ्तार करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। बाकी जो दो शूटर्स हैं उनकी अभी हमें तलाश जारी है। इसके अलावा अनिल, क्योंकि उसके माध्यम से शूटर्स अवेलेबल हुए, वो भी अभी फरार है। और भी कुछ लोग हैं अनिल से जड़े हुए, उसके परिवार के लोग, जिनकी संलिप्तता इसमें प्रकाश में आ रही है। इस पर अभी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज़ें तथ्य और जो भी निकल के आएंगे वो शेयर करेंगे, क्योंकि इसमें अनिल के साथ साथ जो इसके फादर हैं सहदेव, उसकी भी भूमिका नज़र आ रही है। एक और का कज़न है, एक और भाई है जो भी साथ में उठता बैठा था उसका भी, और एक दो लोग और हैं जो तो पूरी प्लानिंग में हमें उनकी भूमिका नज़र आ रही है प्रारंभिक पूछताछ में, क्योंकि अभी हम लोगों के पास है, अभी हम लोग उसे इनसे डिटेल इंटरोगेशन करेंगे तो हो सकता है और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आए सामने, जिसको हम लोग बाद में आपको शेयर करें। जो अभी पैसा गया था वो बात आई थी कि शूटरों के द्वारा AK-47 का प्रयोग किया गया था, कुछ आप क्लियर होता है? नहीं, देखिए AK-47 की बात तो पहले भी कभी नहीं आई, क्योंकि जो मौके से जो ठोके बरामद हुए थे वो 9mm के थे और 30mm के थे, और जो इन लोगों की पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं वो 30mm और 9mm के ही। कितना $10,00,000 रुपए की बातें हुई थी, जिसमें से 6,00,000 अभी दे दिया गया था। यहाँ तक संदिग्धता की बात है अरुण और उसका जो साथी सोनू धर्मदत्त शर्मा के अलावा अनिल बाकी जिसने शूटर्स अवेलेबल कराए, इसके अलावा जो अनिल से जुड़े हुए और लोग हैं सहदेव शेरू और सुंदर पार्टी की भी संलिप्तता से इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें निकल के आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के कुछ रूल्स हैं। जब तक हम उनको वेरीफाई ना कर लें मैं आपको प्रमाणिक रूप से नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उसमें भूमिका समझ में आ रही है। इसके अलावा जो शूटर्स हैं, ये मैंने आपको बताया जो शूटर्स अवेलेबल कराने वाले थे अरुण और सोनू जो प्लान करने वाले, और उसका वो एक उसका साथी था, और तीसरा ग्रुप वो जो शूटर है, शूटर में 3 लोग मुख्य थे जो नाम प्रकाश में है, एक अरेस्ट है नरेश, दूसरा शूटर है अमर, तीसरा एक शूटर है जिसका अभी हम लोगों के पास पूरी डिटेल्स नहीं, काफ़ी जानकारी है तो उसको हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे। एज क्या है नरेश की? एज मेरे ख्याल से 25-26 के आसपास। नहीं, उसमें से एक शूटर जो है वो मेरठ का है, जो अरेस्ट हुआ है यहीं का है। नरेश की एजुकेशन क्या है? नरेश ने बेसिकली बीटेक प्रेजेंटेशन किया था, लेकिन शुरुआत से उसकी बैक आने लगी थी, और बाय द थर्ड ईयर ऑफ बीटेक उसने विड्रॉ कर लिया था अपने जो ग्रेजुएशन की एजुकेशन। और नरेश उसके बाद से और जो अनिल भाटी है वो सहदेव भाटी से मिलने आता था, निशाना और सहदेव, तो वहाँ पर वो अनिल भाटी के साथ कॉन्टैक्ट में आ गए, एंड उसके बाद से वो अनिल भाटी के साथ और उसके गिरोह में ही काम करते हैं। सर कि जो अमित है, अमित यादव, उनका क्या कुछ निकल के आया जिसमें, क्या उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है? देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया कि परिवार वालों को उस पर भी शक है, क्योंकि उसका बड़ा भाई है और वो भी इस घटना में हो सकता है प्लानिंग में रहा हो। अभी उस चीज़ का हम लोग इंटरोगेशन में हम लोग और उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, और अगर इस तरह के कोई तथ्य सामने आते हैं और हमें लगता है कि पूरी प्लानिंग में ये भी शामिल था, तो जाहिर सी बात है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जो कानूनी कार्रवाई वो विभागीय कार्रवाई होगी। सर हत्या क्या बदला लेने में, सर हत्या का बदला लेने में 9 साल का समय लिया इसने, क्यों 13 साल? हाँ सॉरी 13 साल। इस बारे में भी हम लोगों ने पूछताछ की और जो चीज़ें निकल के आई हैं अभी वो इसका कहना है, क्योंकि ये इसको ऐसा लगता है कि वो जो पक्ष है वो
तुलनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत था। अच्छा। और इसकी हिम्मत तब बढ़ी या इस घटना को अंजाम देने की जब से ये अनिल भाटी के संपर्क में आया। अच्छा अच्छा। जैसा कि अभी एसएसपी एसटीएफ साहब ने बताया 2014 में जो एक शूटर है ये भी जेल में था और अनिल भाटी ये मिलने आया करता था, तो शूटर से तो वहाँ मुलाकात हुई, प्लस अरुण जो है अरुण इधर इस बीच में क्योंकि दिल्ली में आना जाना था उसका और किसी तो काम इसकी भूमिका बताइए, क्या दोनों ग्रुपों के बीच का कॉमन पर्सन था या नहीं? सोनू जो है वो अरुण के साथ रहता था, अरुण का पीएसओ अरुण का ड्राइवर कम गनर जो भी इसके साथ चलता था। अनिल का कितना मुकदमा है पहले तो उसके सवाल के जवाब तो सोनू का जो रोल है अभी तक जो हम लोगों ने इंट्रोगेशन में सामने आई हुई चीज़ें प्रकाश में कि सोनू ने एक तो जो ये शूटर्स थे जो किराए पे इन्होंने हायर किए अनिल के माध्यम से, उन शूटर्स को जो पूरा घटनास्थल था वो ले जाकर रेडी कराया, घर से लेके स्कूल तक, स्कूल के बाहर जो गली है जो घटनास्थल यहाँ पर हुआ जिस जगह घटना पर किया गया। और दूसरा जिस दिन घटना हुई है उस दिन भी सोनू की मौजूदगी वहीं आसपास थी, जो घर से निकलने की सूचना है वो सोनू के द्वारा ही दी गई, उसके बाद जो वो स्कूल से निकला है वो सूचना भी सोनू के द्वारा पास ऑन हुई। सर सर एक छोटा सा ये है कि इससे इत्तेफाक कहें या कुछ और, जो अमित भाटी अमित यादव हैं वो भी और सुचो मिश्रा एक ही बैच के हैं, वो घटना के बाद थाने पर खुद अमित यादव आए थे, इस पे क्या है? आरोपों में और उसकी प्रमाणिकता में अंतर होता है, मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों के कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि तो बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे बैच में से एक इत्तेफाक है सर, ये जो ये एक इत्तेफाक है, ऐसे और भी चले बहुत सारे लोग हैं जो उसके बैच में थे। सर जो शूटर है वो सुंदर भाटी गैंग से अनिल भाटी का क्या कनेक्शन है और शूटर क्या होते हैं? देखिए अनिल भाटी सुंदर भाटी का भतीजा है और जो सुंदर भाटी का भाई है सहदेव उसका बेटा है, तो जो चीज़ें अभी तक प्रकाश में आई हैं तो जाहिर सी बात है उसमें सबकी संलिप्तता नज़र आ रही है, और हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शेंगे नहीं जिसकी इस हत्याकांड में संलिप्तता जरा सी। सुंदर भाटी जेल में जब उससे पूछताछ होगी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ज़रूर होगी। जो अरुण यादव हैं उनके भाई इंस्पेक्टर हैं, उनकी भी भूमिका इसमें आ रही है, उस पर बारे में क्या कहना है? उसको भी हम लोग जांच करेंगे क्योंकि परिवार वालों ने शक जाहिर किया है और जाहिर सी बात है कि हम उसको संदेह के दायरे से बाहर नहीं रख सकते, लेकिन अभी क्योंकि विवेचना के क्रम में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिस पर हम लोग काम करना है, तो यदि उसकी भी कोई संलिप्तता प्रकाश में आती है तो अवश्य उसके खिलाफ कार्रवाई।